नमस्कार दोस्तों, मेरे रक्षित ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्मार्ट वाईफाई कैमरे का सेटअप देखेंगे इन मोबाइल। ये बॉक्स है दोस्तों, इसका मॉडल नंबर V380 है। इस टाइप के बॉक्स में आता है ये। आईफोन, एंड्रॉयड, आईपैड और कंप्यूटर चारों में कनेक्ट हो सकता है। आज हम इसको मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, आईफोन में। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, एक कैमरा है। इसके नीचे में स्लॉट है, मेमोरी कार्ड के लिए है। ये इथरनेट पोर्ट है, ये रीसेट स्विच है, ये पावर एडाप्टर के लिए है, पावर केबल लगती है इसमें। इसके नीचे में बार कोड और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये आगे कनेक्ट करने में हेल्प होगी इससे, सीरियल नंबर से। ये डाटा केबल है दोस्तों, एक एक 5 वाट का एडेप्टर है। इसको कैमरे को पावर दे दिया है। इसके बाद में दोस्तों, ये 10 सेकंड बाद में कैमरा कुछ साउंड करेगा और ऑटो रीसेट होगा एक बार। थोड़ा इंतज़ार करना है। रीसेट होने के बाद में हमको सबसे पहले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में आपको मिल जाएगा। अभी ये रीसेट हो रहा है। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको बताता हूँ कैसे इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। हम एप्पल स्टोर ओपन करेंगे सबसे पहले। इसमें टाइप करेंगे V380 Pro। V380 भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ दोस्तों, इसलिए हम डाउनलोड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करके इसमें हम अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं या विदाउट अकाउंट के भी ओपन कर सकते हैं। हम विदाउट अकाउंट के ओपन करेंगे। अभी कंफर्म करना है दोस्तों। सबसे पहले मोबाइल के वाईफाई से स्मार्ट कैमरा कनेक्ट करना है। हम सेटिंग में जाएंगे, वाईफाई ओपन करेंगे। ये MV सीरियल नंबर इसका कैमरे का आ रहा है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। कभी कभी इसमें पासवर्ड भी आ सकता है, तो हम कैमरे में जो रीसेट बटन था उसको दबा कुछ देर होल्ड करके रखेंगे, तो ये पासवर्ड भी ऑटो रीसेट हो जाएगा, कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये दोस्तों हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद में हम फिर से सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ये जो प्लस का सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में स्मार्ट वाईफाई कैमरे का ऑप्शन है सबसे ऊपर, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऐड कैमरा, हम इसको दो टाइप से ऐड कर सकते हैं, एक स्कैन करके और इसके नीचे जो सीरियल नंबर है उसको भी लिख लिख के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम स्कैन करके ऐड करते हैं। देखिए आगे, कंफर्म। हम होम, ऑफिस, इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हम होम लेके चलते हैं, आगे फिनिश करेंगे। चलो प्ले करके देखते हैं। अभी ये रीसेट सेट पासवर्ड मांगेगा, हमें पासवर्ड सेट करना है दोस्तों। ये एक लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हम डाल के पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट हो चुका है दोस्तों हमारा। इसके बाद में इसको हम प्ले करके देखते हैं, ये काम कर रहा है दोस्तों। कनेक्ट होने के बाद में इसको
कितना भी घुमा सकते हैं आप अपने ज़रूरत के अनुसार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।